है ये MSME और कैसे उठा सकते हैं आप उसका लाभ और दे सकते हैं अपने बिजनेस को नया जीवन दान। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट टर्न्ड एडिटर टू द लीडिंग दिवा टॉक मैगजीन एंड फाउंडर ऑफ iDiva सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 10th ईयर। दिवा टॉक शो के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे MSME के बारे में। प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और MSME मिनिस्टर सभी बात कर रहे हैं MSME के फायदों की। हाल फिलहाल में कोरोना क्राइसिस से जूझने के लिए MSME सेक्टर को मिला है 20 लाख करोड़ रुपए का एक स्पेशल स्कीम। हर व्यक्ति MSME की बात कर रहा है और MSME से होने वाले फायदों की बात कर रहा है, लेकिन आखिर MSME है क्या? हम बताएंगे आपको MSME क्या है और उससे हमें जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे शो सैलून इंडस्ट्री को फोकस में रख के होते हैं, तो आज हम सैलून इंडस्ट्री के लिए ही MSME के फ़ायदे बताएंगे। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए अलग से एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई है, MSME मिनिस्ट्री। 2006 में तत्कालीन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जो था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, जिसके तहत इस मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये MSME मिनिस्ट्री बनाई गई थी। MSME मिनिस्टर इस सरकार में श्री नितिन गडकरी जी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भाषण के साथ ही अपने आप को MSME में रजिस्टर करने की एक मुहिम शुरू की है। अब जब हर व्यक्ति MSME की बात कर रहा है, तो सैलून इंडस्ट्री में MSME के क्या फ़ायदे हैं ये हमें एज सैलून ओनर्स पता होना चाहिए, क्योंकि इससे हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। MSME मिनिस्ट्री ने कंपनीज को या उद्योगों को दो बड़े भाग में बांटा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और हर सेक्टर को उन्होंने फर्दर 3 भागों में बांटा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पर क्योंकि हम यहाँ पे एक सैलून पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करेंगे, तो हम सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों ही माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में डिवाइड किए गए हैं। इनका जो वर्गीकरण है या कैटेगराइजेशन है, वो इन्वेस्टमेंट जो आप प्लांट या मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करते हैं, या आप जो इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं सर्विस सेक्टर में, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, दोनों ही सेक्टर्स की डिटेल्स मेंशन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट इस वीडियो में नहीं है। हमारा मेन फोकस है सर्विस सेक्टर पर। सर्विस सेक्टर में माइक्रो एंटरप्राइजेस या सूक्ष्म उद्योग वो एंटरप्राइजेस गिनी जाएंगी जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख से कम की। जिन एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर मगर 2 करोड़ से कम है, वो गिनी जाएंगी लघु उद्योग में, यानी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस। और जिन एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट होगी 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम, वो गिनी जाएंगी मीडियम एंटरप्राइजेस में। ज़्यादातर सैलून्स हमारी इंडस्ट्री में आएंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस में। MSME मिनिस्ट्री क्रिएट तो 2006 में हो गई थी, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री जी ने उसे एक नया बूस्ट दिया। उस सारी प्रक्रिया को आसान करने के लिए प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया उद्योग आधार। जी हाँ, जिस तरह से हमारा और आपका आधार है, उसी तरह से हमारे उद्योग का, हमारे बिजनेस का भी एक अलग आधार नंबर है, जो कि एक 12 डिजिट नंबर होता है, यूनिक नंबर, जो हमें उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है। बिजनेस करने की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के साथ प्रधानमंत्री ने एक नई पहल की। ये रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली पेपरलेस है और 100% ऑनलाइन होती है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है और 15 मिनट के अंदर लगभग पूरा भी हो जाता है। 2 अलग पेपर्स मिलते हैं आपको, एक होता है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और एक होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम। सैंपल के तौर पे हमने आपको यहाँ पे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार मेमोरेंडम दोनों दिखाए हैं। अब आप पूछेंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री से या सैलून से MSME का क्या नाता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम MSME सेक्टर के अंदर आते हैं। हमारी जो सैलून्स हैं वो लघु या सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस गिनी जा सकती हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस पैकेज को अनाउंस किया है। स्पेशली इस कोरोना क्राइसिस से जूझने के लिए जो नए पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, सबसे बड़ा फायदा हमें होगा कोलैटरल फ्री लोन्स का। इसमें आपको दो फायदे अभी की दी गई स्कीमों के हिसाब से भी हैं। आने वाले समय में पूरे एक साल तक आपको कोई किश्त नहीं देनी, एक साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद ही जो रिटर्न करने की है अमाउंट वो शुरू होगी। किसी के पास जमा पूंजी हो सकती है और किसी के पास नहीं इस क्राइसिस से बाउंस बैक होने के लिए। इस सिनेरियो में बैंक से लोन लेकर आप अपने आप को इस क्राइसिस से बाउंस बैक करने के लायक बना सकते हैं। अब जब हम लोन लेने बैंक जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत होता है। MSME रजिस्ट्रेशन के अंडर आपको इंटरेस्ट रेट में भी कटौती मिलेगी, यानी कि आपको रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे उसी अमाउंट के लोन पे। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, GST, इन बहुत सारे टैक्सेस में हमें छूट भी मिलेगी और कुछ टैक्सेस माफ़ भी होंगे अगर हम MSME रजिस्टर्ड हैं। और एक बात बताइए दोस्तों, अगर हमें MSME के तहत लोन मिल जाता है तो क्या वो रेनोवेशन जो हम चाह रहे थे, या पार्लर का जो हम एक्सटेंशन चाह रहे थे, या वो दूसरी ब्रांच जो आप खोलना चाह रहे थे, क्या वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो जाएंगी? क्या ग्रोथ आसान नहीं हो जाएगी? कोरोना क्राइसिस से बाउंस भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। कुछ राज्यों में MSME रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस को उनके कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे राहत भी मिलती है, तो आप अपने नज़दीकी बिजली ऑफिस से पता करें क्या कंसेशंस अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। MSME रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आसानी से बैंक से लोन मिल सकेगा, वो भी कम ब्याज दरों पे। ऐसी गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा योजना। MSME रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद आप विदेशी एक्सपोज में जा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को और शायद अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि आप MSME रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप इन दी गई किसी भी टाइप की कंपनी को ओन करते हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी या लिमिटेड कंपनी, आप या तो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैं या एक सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज हैं विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, तो आप MSME रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने CA से बात करें और जानें कि आप अपनी पार्लर की जो इनकम है वो किस तरह से शो करते हैं और किस तरह से आप अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं। आई एम श्योर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे अपने पार्लर के टैक्सेस भरते होंगे, तो उसी तरह एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप आप अपने लिए MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली रेडी रखें। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत आपको पड़ेगी आधार कार्ड की, जो कि आपका खुद का होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो कंपनी का होगा, और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं तो आप ही के नाम का होगा। अपने बिजनेस के नाम का यानी कि अपने सैलून के नाम का करंट अकाउंट होना अनिवार्य है। इनकेस अगर आपके पास अभी वो करंट अकाउंट नहीं है तो नियरेस्ट बैंक से बात करें और अपने सैलून के नाम का करंट अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लें। नेक्स्ट आता है बैंक का IFSC कोड। हर बैंक का एक यूनिक IFSC कोड होता है। आपकी जो चेकबुक है उसमें लेफ्ट साइड पर या तो ऊपर या नीचे IFS कोड या IFSC कोड या सिर्फ IFSC करके एक कोड होगा, वो आपका IFSC कोड होता है। और लास्टली आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके मोबाइल की, वो नंबर जो आपने आधार कार्ड के साथ लिंक किया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। इस लिंक तक पहुंचने के दो तरीके हैं, चाहे आप MSME वेबसाइट से जाएं, चाहे डायरेक्टली उद्योग आधार की वेबसाइट से जाएं। दोनों ही तरीकों का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। आपको लॉगिन करना होगा उद्योग आधार की वेबसाइट पे, यानी कि udyogaadhar.gov.in। और लास्ट में एक रीकैप करना तो बनता है। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है और इसके कोई कंसल्टेंट्स नहीं है। दूसरी बात, इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कोई भी लंबी चौड़ी फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम वैलिडिटी का होता है, एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आपका हमेशा रजिस्टर्ड रहेगा। बढ़िया फायदे की बात ये भी है कि इसमें कोई रिटर्न्स फाइल नहीं करने होते। और अगर आप MSME रजिस्टर्ड नहीं हैं तो कई सारी स्कीमों का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया कि MSME रजिस्ट्रेशन कराने में नुकसान तो कोई भी नहीं है,
फायदे बेशक अनेक हो सकते हैं। लोन लेना या ना लेना आपकी इच्छा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के द्वार इस वक्त खुले हैं और प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान किया गया है। एज अ सैलून ओनर मुझे लगता है कि MSME रजिस्ट्रेशन कराने में कोई आपको नुकसान नहीं है। अगर अब तक आपने हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, और इस वीडियो को, इस जानकारी को, MSME की इन्फॉर्मेशन को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं हमारे वीकली एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं, और आपके प्यार के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना प्यार दिया है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है आगे और से और मेहनत करने की। इसी प्यार को इसी तरह बनाए रखिए। तो मैं दिव्या शर्मा दैया आपकी इजाज़त लेती हूँ। सुपरमॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर एंड मेकअप आर्टिस्ट टर्न एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन, योर कंप्लीट ब्यूटी एंड सैलून गाइड एंड फाउंडर ऑफ आई डिवा सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 10th ईयर। नमस्कार।